ओए इधर आ, इधर तक का फोन पकड़, भाग रहा है। मैं खाऊंगी सारा मक्का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। सो आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:05 हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा दिन भर का काम क्या होता है, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं दिन भर में क्या करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मैं पूरे दिन में करती हूँ। तो अभी सुबह के 4:00 और मैं अभी जस्ट सोकर उठी, आप लोग को दिखा दूँ मैं कहाँ पर सोती हूँ। सो गाइज, मैंने कैमरा यहाँ पे लगा दिया है और फिर अभी मैं पहले विश्व को मेंटेन करूँगी। ये देखिए, मैंने बिस्तर यहाँ पे लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं मेरा बिस्तर लग के रेडी है, फिर मैं इस पे कर सोऊंगी। सबसे पहले मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। मैं वैसे आप लोग को बता दूं, मैं डेली झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं बस आज लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को मम्मा बोलती मेरे को लगाना नहीं आता झाड़ू, तो मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती। सो गाइस, मेरा ना पूरे घर में झाड़ू लगा के हो गया, तो अभी मैं करूँगी ब्रश। ये रहा मैं टूथपेस्ट और ये रहा मैं छोटू सा ब्रश, तो मैं पहले ब्रश करूँगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे ब्रश करने जा रही हूँ एंड यहाँ पे अंधेरा है, अगर मैं फ्लैश जलाऊँगी तो और कुछ भी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिख रहा है मेरे शीशे में, तो फिर मैं पहले ब्रश करूँगी। तो मैंने ब्रश भी कर लिया, अब मैं नहाऊँगी। आप लोग को मिलते हो तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ, मैंने बाल वगैरह भी कंघी कर लिया है एंड अब मैं जाऊँगी सबसे पहले किचन में और वहाँ चलाऊँगी अपना दिमाग। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे खाना बनता है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। एंड बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे लाइट बहुत जुगाड़ से सेट किया है क्योंकि यहाँ उतना अच्छे से लाइटिंग, ये इधर लाइट तो है बट अगर मैं कैमरा इधर ही से रखती तो फिर अच्छा नहीं आता उतना, तो मैंने बहुत जुगाड़ से यहाँ पे लाइट सेट किया हुआ है। और उसके बाद मैं पहले यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म करूँगी। पानी गर्म करने के लिए सबसे पहले लेंगे बर्तन, उसके बाद तो हम यहाँ से पानी लेंगे, थोड़ा सा ये बॉयल करेंगे पानी। तो मैं रोज़ सुबह गर्म पानी पीती हूँ, बिना गर्म पानी पिए मेरा शुरुआत नहीं होता, तो फिर मैं पहले गर्म पानी पीऊँगी उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। अभी मम्मा ने उठी हैं, दीदी ने उठी, गौरव रनिंग करने गया है। अभी इसके बाद मैं इसमें चाय बनाने जा रही हूँ।
गाइज मैंने अभी चाय रख दिया है, चाय पक रहा है, उसके बाद तब तक मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर कैसा हो रखा है। मैं आप लोग को बाहर लेके चलती हूँ। मम्मा सोकर उठ गई हैं, एंड ये देखिए बाहर का नज़ारा। अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुआ, उजाला नहीं हुआ, मम्मा झाड़ू लगा रही हैं बाहर। यहाँ की लाइट ऑफ है, मैं ऑन कर देती हूँ। ये देखिए और सुबह होने को आई, 5 बज गए सुबह के। मैं यहाँ से अपना गर्म पानी उठाते, जो मैंने वीडियो के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा हीट कर दिया, तो अब ये पीने लायक नहीं है, मैं जल जाऊँगी अगर इसको पीऊँगी। तब तक मैं छत पे चलती हूँ और मैं पानी पीती हूँ, वहाँ पे पानी भी पीऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। हाँ मम्मा। और ये देखिए छत से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सुबह हो चुकी है और अभी सूरज नहीं उगा है, मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं। काफ़ी ठंडा मौसम, क्योंकि बारिश हो रखी थी कल, तो काफ़ी ठंडा मौसम। यहाँ पे मैं गर्म पानी पीऊँगी और फिर आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोग को कुछ सुनाती हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग ने सुना गांव में कैसे चिड़िया की वॉइस आप लोग ने सुनी। गांव की ना बात ही अलग है, मतलब शहरों में ऐसा सुबह का ऐसा मौसम कभी नहीं देखने को मिलता जैसा गांव में देखने को मिलता है। A few moments later. So guys, चाय बन रहा है तब तक, और मुझे गौरव के लिए नाश्ता तैयार करना है, उसके लिए टिफ़िन बनाना है। तो सबसे पहले मैं केले को कट करूंगी और उसके बाद, ये कच्चा केला है तो मैं इसका पकौड़ी बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं पहले इसको कट करूंगी। मैं कट करते हुए तो नहीं दिखा सकती क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मैं कट करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं इसको। A few minutes later. अब यहाँ पर सुबह हो चुकी है अच्छे से, आप लोग ये देखिए सूरज भी उग चुका है। गौरव रनिंग करके आ गया है, अभी ये नहाएगा धोएगा तैयार होगा फिर जाएगा स्कूल के लिए। और लाइट भी चली गई है, दीदी सोकर उठ गई, लाइट भी चली गई, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना। तो मैंने सारा काम कर लिया, मैंने नाश्ता भी बना दिया गौरव के लिए और टिफ़िन भी बना दिया। अभी हम लोग तो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, अगर हम लोग कॉलेज जाते इस टाइम तो 9 से 10 बजे तक हम लोग कॉलेज चले जाते, और मैं आप लोग को दिखाती कॉलेज मैं जाती, और उसके बाद कॉलेज से रिलेटेड भी वर्क होते हैं तो मैं वो सर सब के बारे में भी आप लोग को बताती। बट अभी मैं कॉलेज इस टाइम नहीं जा रही हूँ और दी भी नहीं जा रही हैं, बस गौरव जा रहा है स्कूल। ये देखिए गौरव क्या कर रहा है यहाँ पर, गौरव टिफिन लिए रख लो ना, तब बैग रखो। अच्छा रुक। क्या क्या कुछ भूल रहे हो क्या? हेलो। इसका चेहरा देखिए, लो जैसे दुल्हन आ रहे हैं, रुको। तो ये देखे गौरव चला, गौरव जा रहा है स्कूल।
सॉन्ग कौन सा गाते हो? ठीक है जाओ, बाय 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 बाय। ओ यार यार ये कितनी ऑसम है यार। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैं अपने खेत में आ चुकी हूँ। यहाँ खेत के पास तो मैंने ना सारा काम कर लिया है, जो कुछ भी बाकी अभी मैं जाके फिर करूँगी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मक्का है और ये सारा उड़द है। और दीदी आ चुकी हैं और आज बहुत तेज़ी से धूप नहीं है। यहाँ पे मौसम ना बहुत सुहावना है, मतलब थोड़ा बादल है, जैसा लग रहा है बारिश होगा, तो फिर उतनी तेज़ी से धूप नहीं हो रही है यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ये देखिए मम्मा ने यहाँ पे सब्ज़ी लगाया हुआ था, जो बर्फबारी हुई तो सारा कुछ यहाँ बर्बाद हो गया थोड़ा बहुत, और जो भी बचा है यहाँ पे सब्ज़ी उगाई है मम्मा ने। मुझे मक्का बहुत पसंद है, तो ये देखिए मेरा इधर सारा पूरा मक्का है, मैं खाऊंगी सारा मक्का। ये देखिए सिखू तैयार हो गई है, 10th क्लास में इसका 84% आया और 11th क्लास में जा रही है। ये आज फर्स्ट डे है, पढ़ने जा रही है। सिखा कैसा लग रहा है तुम्हें 11th? तो बताओ तुमको कैसा लग रहा है 11th क्लास में जाकर? दो चूटी बांधी है, पहले हम लोग भी ऐसे हेयर स्टाइल करके जाते थे, अभी तो कॉलेज में पहुंच गए तो उतना नहीं रहता है रोक। अच्छा लगता है लेकिन इंटर कॉलेज में ऐसे। तो चलो अभी सीखा तो जा रही है स्कूल और हम लोग का कॉलेज अभी बंद नहीं है, चल रहा है, बाकी हम लोग जाते नहीं हैं। चलो ठीक है जाओ, बाय बाय। देखो सारी लड़कियां जा रही हैं, बाय बाय टाटा। पूरा गांव खाली हो जाते धीरे धीरे करके जब भी बच्चे स्कूल सारे चले जाते हैं। तो ये है अपना गांव छोटा सा और ये है अपने गांव का एरिया जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए भिंडी लगाए थे हम लोग यहाँ पे। गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और फिर इधर भी देखिए, इधर है भिंडी, कितना प्यारा प्यारा है छोटा छोटा। ये देखो मेरी ब्लॉगिंग में ये भी आ गया, ब्लॉग बनाए। ओए इधर आ, इधर तक फोन पकड़, भाग रहा है, हद है। सो गाइस देखिए मैं पापा का वीडियो कॉल चल रहा है यहाँ पे और मैं बात कर रही हूँ। पापा पापा कब आओगे आप, कब आओगे घर पे? हमारा 15 मई को एसी का टिकट है। पापा 15 मई तक आ जाएंगे घर पे, फिर पापा के साथ ना बहुत मस्ती करेंगे हम लोग, पापा के साथ ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस अब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कुछ यूनिक चीज जो कि गांव के बच्चों ने बनाया हुआ था। ये देखिए ये कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का कलेक्शन क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं उठा लाई वहाँ से, बगीचे में बना कर रखे थे, अभी मैं फिर से उस जगह पे इसको रखाऊंगी। और ये गाँव के बच्चे लोग ऐसे मिट्टी के खिलौने बना कर खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कल संडे था ना, इसलिए बच्चे लोग खेल रहे थे तो फिर बनाया। आज तो सारे गांव के बच्चे जिनको स्कूल जाना था सारे लोग स्कूल चले गए, छोटे बच्चे लोग, तो अभी मैं इसको उस जगह पे रखाती हूँ। 3 hours later गौरव आ गया है पढ़ के, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मेरा आज का दिन बहुत बेकार गया, मैं तो यहाँ बिस्तर पे आराम से सो रही थी। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। क्या पढ़ा तुमने आज? ABCD और बत्ती दी थी। फैन चल रहा है, फैन नहीं, मैं तो सोचा वहाँ चल रहा है गाड़ी बस।
सलमान, अभी मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने कपड़े निकाल के रख लिए। उसके बाद मैं रेडी होंगी, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रही वो साड़ी, मेरे पास ज़्यादा मेरी खुद की साड़ी नहीं है, मैं मम्मा की साड़ी पहन के ही वीडियो बना लेती हूँ। एंड ये मैंने कुछ बैंगल सेट लगाए हुए हैं खुद से, खुद के दिमाग से, तो मुझे जो भी समझ में आया मैंने लगा लिया, कंगन वगैरह। और ये मैंने छोटा सा झुमका लिया और जो मैं इस साड़ी पे पहनूंगी। और ये रहा मेरा ब्लाउज़, ये मम्मा ने खुद सिला था और मैंने जो ये है खुद से लगाया, मैंने हाथों से अपने बनाया है, मम्मा ने बनाया था मेरे लिए। तो मेरी मम्मा ना बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती है हम लोग के लिए, तो मैं साड़ी को पहनूंगी और रेडी होंगी, फिर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस ये देखिए मैंने साड़ी तो पहन ली है, बट इसका जो पल्लू है ये मैंने आई थिंक इसका लेंथ ज़्यादा बड़ा कर दिया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप इसको दिखा दूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैंने कर दिया है, ये पूरा नीचे तक। तो मैं पहले इसको सही कर दूँ, जो मैंने अभी पागलों की तरह साड़ी पहन रखी है, मैं पहले इसको सही करती हूँ। फाइनली गाइस उल्टा सीधा करके मैंने अपनी साड़ी को अच्छे से कैरी कर लिया। और इस बार इसका पल्लू जो है उसका लेंथ भी मैंने मीडियम साइज रखा है, मीडियम साइज है। और फिर ये देखिए मैं यहाँ पे जो पिन लगती है वो पिन ना मेरी मम्मा अच्छे से लगा लेती है, बाकी मैं वहाँ यहाँ पे पिन अच्छे से नहीं लगा पाते। तो मैंने ट्राई किया है, मुझसे हो जाता है बट थोड़ा लेट लगता है। और सारा कुछ मैंने अच्छे से कर लिया है इस बार। ये देखिए मैंने साड़ी तो अच्छे से पहन लिया, फटाक से मैं रेडी हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बाल बनाऊँगी, और बाद में मैं कुछ खास डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, मैं बस कोई खास हेयर स्टाइल नहीं करूँगी। मेरे घर में ना ये प्रॉब्लम है, कॉम नहीं मिलती जल्दी। मैंने बाल अपना कंघी कर लिया है, तो फटाक से मैं इयररिंग पहनूंगी और बैंगल पहनूंगी। मैं इसमें से लगाऊंगी ये बीच वाली लिपस्टिक है, तो मैं ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी, ये देखिए। और इसका थोड़ा मतलब साड़ी से जो है मैच करता हुआ है, मैं ये वाली लगाऊंगी। तो मैं सारा कुछ मेरा रेडी हो चुका है, मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। और बिंदी लगा लेती हूँ, कुछ कमी लग रही है अभी। तो ये मिल रही गिर गया, छोटा सा है एक, तो मेरा खो गया नीचे गिर के, बाकी ये मैं जल्दी से लगा लेती हूँ, नहीं तो ये भी खो जाएगा कहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। बस मुझे बैंगल पहनना है, मेरे हाथ से नहीं सोने लग रहा है, तो मैं फटाक से बैंगल पहन लेती हूँ। थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो गौरव फोन लेकर छाता लेकर खड़ा हुआ है। नहीं ये झूठ बोलती है, मैंने कुछ नहीं लेकर खड़ा। देखिए आप लोग को छाता दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत नहीं काफी झूठ है, ये झूठ बोलता है। नो 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 बोलता है। तो चलो गाइस मेरे कैमरे पे पानी पड़ गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये हो गया साफ। ये देखिए बारिश हो रही है काफ़ी अच्छे से, आज धूप बहुत कम है, वरना मैं धूप में यहाँ बनाती हूँ वीडियो, सैंडल नहीं पहनती और जूती नहीं पहनती, तो मेरे पैर भी चलते। आज बारिश हो रही, भीगने का मन कर रहा, बट अभी मम्मा आ गई। गाइस मैंने वीडियो बना लिया है और अभी शाम का नाश्ता वगैरह भी सारा कुछ हो गया है, शाम हो गया है, तो अभी हम मम्मी जा रहे हैं कुछ काम। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने,
भिंडी तोड़ने। हम लोग जा रहे हैं सुबह वो शेर सिंह के लंच के लिए, सुबह बनेगा उसका लंच, तो हम लोग भिंडी तोड़ने जा रहे हैं खेत में। 3 hours later गाइस अभी रात हो चुकी है और हम लोग ने खाना पीना खा लिया। अभी हम लोग डिनर नहीं बनाया क्योंकि कहीं और खाना खा लिया, जैसे कि एक लोग की डेथ हो गई थी गांव में, तो फिर आज उनकी तेर भी थी, तो वहां भी कैमरा ले जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहां भी कैमरा नहीं ले रखना। हम लोग खाना खा लिए, घर पे खाना नहीं बना था, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में डिनर बना के सारा कुछ बना के जरूर दिखाऊँगी। इस बार तो इस ब्लॉग में नहीं पॉसिबल हो पाया, सो आई एम सॉरी। एंड अभी हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। ए फ्यू मिनट्स लेटर वीडियो बना के मैं ये साड़ी भी रख दी थी और अभी का ड्रेस जो मैंने चेंज, तो मैं इसको फोल्ड करके पहले अलमारी में डाल देती हूँ वरना डांट पड़ेगी मम्मा से। मैंने यहाँ पे साड़ी फोल्ड कर दी है और ये अपना ड्रेस भी फोल्ड कर दिया है, तो अभी मैं इसको अलमारी में डाल देती हूँ। नीचे वाली अलमारी में मनली मम्मा का साड़ी रहता है जो कि मैं तहस नहस करके रख देती। ये देखिए मैंने अपना क्यूब यहाँ पे छुपा के रखा था, मेरा क्यूब सब लोग तोड़ डालते हैं। और इस अलमारी में मेरा कपड़ा है, ये ऊपर वाले में जीन्स टॉप दुपट्टा है और यहाँ पे लेगी कुर्ती प्लाजो सूट वगैरह वगैरह है। और ये मम्मा का बैग है, ये देखिए मेरा, मेरी दीदी लाई थी मेरे लिए। कितना प्यारा है ये, जैसे सचमुच में डॉग डॉग डॉग, कितना सॉफ्ट है, इसकी पूंछ है, पूंछ ये। क्यूब किसको किसको सॉल्व करना आता है मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्यूब सॉल्व चैलेंज का भी एक ब्लॉग बना दूंगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग सीरियल देखेंगे उसके बाद सो जाएंगे। अच्छा हमको सिखा रही है? नहीं तो मैं और दीदी यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, मूवी नहीं वो सीरियल देख रहे हैं, ये रहा सीरियल ड्रामा। हम लोग देख रहे हैं सीरियल, रोज सीरियल देख के उसके बाद तब सोते हैं। अभी आज तो गौरव नहीं है, वरना गौरव भी हम लोग के साथ देखता है। आई होप गाइस आज का हमारा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।